ओम साई राम। साई बाबा की अमृतवाणी इस YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। साई बाबा की अनुपम लीलाएं इस श्रृंखला के अंतर्गत आज जो हम लीला सुनने जा रहे हैं वो एक आला दर्जे की, एक श्रेष्ठ लेवल की अनुभूति देने वाली है। भक्ति मार्ग का एक जो सूत्र है कि हम श्री साई बाबा की भक्ति उनके इजाजत के बगैर या उनके परमिशन के बगैर कर भी नहीं सकते। जब तक वो आपको चुनते नहीं, आप सदगुरु करके उनको चुन नहीं सकते। ये एक सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत इस लीला में खरोखर उतरता है। श्रीयुत डॉक्टर केशव भ गवानकर, बाबा की गोद में जब 6 साल के थे तब बैठे थे। इनका जन्म 1906 में हुआ और उम्र के 6 साल बीतने के बाद ये बहुत बीमार हो गए। बंबई के एक जानी मानी लोग है, अरनाड़ा, बंबई के जरा बाजू में जो विरार है इसके बाजू में एक अरनाड़ा करके गांव है। बहुत सारे मतलब विद्वान प्रतिष्ठित ऐसे लोग ये अरनाड़ा गांव से दिया है। क्या वो माटी में गुण है पता नहीं, लेकिन जितने भी स्कॉलर विद्वान लोग यहाँ से आए हुए हैं, इतिहास इसकी गवाह है। तो ये तरखड़कर है ना, तरखड़कर वो भी उसी के आजू बाजू में, तरखड़ गांव है वसई के आजू बाजू में, वहाँ के ही है। आज हम गवानकर साहब की, डॉक्टर के बी गवानकर, इनकी ये लीला सुनने जा रहे हैं। उन्हीं की आप बीती, उन्हीं के एडिटोरियलशिप में आई लीला मैगजीन में छपकर आई हुई है 1948 के मैगजीन में। तो ये बंबई के जाने माने डॉक्टर, शल्य विशारद, सब 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 जितने भी है इनको दिखाया गया था, लेकिन इनकी हालत दिन ब दिन बहुत मतलब अशक्त होने लगे। वो उठना बैठना बंद हो गया और महीना महीना दो दो महीने तो वो बेहोश होते थे, इसकी अवस्था में रहते थे। नामचीन ये वैद्यराज डॉक्टर अलग अलग फैकल्टी थी, उनको सब देखकर दिखाकर हो गया था। सब लोगों का ये कहना आया कि भाई इसका प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए पूरे लैब टेस्ट करने के बाद इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उस वक्त 1912 में ऑपरेशन क्या चीज होती है, मतलब आम लोगों का तो यही धारणा थी, आज तो इतना आसान हो गया है, लेकिन उस वक्त ऑपरेशन में गया मतलब उसका शव यात्रा है, जनाजा ही निकलने वाला है, इस ऐसा ही लोग समझते थे, रोना धोना चालू कर देते पहले। अब उस वक्त की जो मेंटेलिटी है, मुस्लिम जी मानसिकता है, आप आज वो उसको एक ही क्या है, ऑपरेशन में क्या है, आपको अभी लगता है उस वक्त का देखना। इसलिए घर वालों ने बोला कोई ऑपरेशन प्रिपरेशन नहीं करना है, यही अपन उनको दवा पानी करते रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। इतने में कैलाशवासी राव साहब यशवंत जनार्दन गाड़वनकर, ये साई बाबा संस्थान के ट्रस्टी भी रह चुके हैं, उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको राव बहादुर करके एक किताब प्रदान किया था उनके सम्मान में। और दूसरी इनकी पहचान रहती है कि ये हेमाड पंथ गोविंद रघुनाथ दाभोलकर इनके दामाद, ये उसी वक्त शिरडी से होकर आए थे, साथ में एक फोटो लेकर आए थे, अरवूदी लेकर आए थे, और वो अरनाड़ा के ही थे। ये जो गवानकर साहब है उनके जो अंकल है विठल, विठल राव गवानकर, इनकी उनकी दोस्ती थी, जान पहचान थी, तो उन्होंने बोला देख ये तेरे लिए लाया हूं, ये उदी और ये फोटो,
अब घर में ये जो लड़का है केशव, ये बीमार है, तो उनके अंकल ने बोला, गाड़गोलकर साहब ने कहा, मधुकर बोलते उसका नाम घर में, उनका नाम मधुकर था, वो मधुकर के ऊपर इसको जरा भक्ति में लगाओ, भक्ति मार्ग में लगाओ, इसकी उदी देते रहो और इनके नामस्मरण करते रहो। अब चूंकि गाड़गोलकर साहब एक बहुत प्रतिष्ठित, एक समाज में एक उनकी एक गरिमा थी, उनका कहना कोई टाल नहीं सकता था, तो फिर वो अपने डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब बोलेंगे हम उनको, क्योंकि बड़े होके बहुत बड़े नामचीन डॉक्टर बन गए, उनका लड़का भी डॉक्टर है अभी, डॉक्टर साईनाथ गवानकर, वो भी हर साल अपनी कुजागिरी पूर्णिमा वहाँ मनाते हैं। तो ये जो फैमिली है, ठीक है अभी ये करके देखेंगे। तो वो बाबा की जो तस्वीर थी, उन्होंने पूजा घर में पूजा के लिए लगाई, वो तीरथ लाए थे, वो उदी लाई थी, वो उनको पिलाई गई, बच्चे को 6-7 साल का लड़का पिलाई गई उनको, और उन्होंने मन्नत मांगी, किन्होंने, विठ्ठलराव गाड़वनकर जो इनके अंकल थे, बाबा ये बच्चे को ठीक करो, मैं 5 शेर पेड़े, 5 शेर यानी लगभग 5 किलो आज के, 5 शेर पेड़े लेकर इसको भेज दूंगा आपके दर्शन के लिए। और वो क्या उदी का करिश्मा, धीरे 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 उनकी प्रकृति ठीक होने लगी। आगे डॉक्टर गवालकर साहब कहते हैं कि मैं और मेरी फूफी आंटी, उनका बड़ा लगाव था, बड़ा मुझ पर वो बड़ा प्रेम था, बोले एक दूसरे को, तो मैं माँ के बजाय इन्हीं के पास ही उनके साथ में उनकी गोद में रहता था, उनके बाजू में बैठता था, और वो भी प्रार्थना करती थी बाबा को मेरे लिए कि साईं बाबा मेरे ये भांजे को ठीक कर दो, और वो बड़ी नया नाम जप वगैरह करती थी। एक रात में सपना आया, सपने में जैसे तस्वीर में साईं बाबा जो दिखते हैं छोला वाला, वो सब आ गए, सामने वाले दरवाजे से आए, नारियल हाथ में था, हाँ उनके नज़दीक आए, केशव के सर के ऊपर से उन्होंने घुमाया और उसी रास्ते से पिछवाड़े के रास्ते से बाहर गए, ये संकेत दिया था। और बाद में उन्होंने आश्वस्त किया हाथ धर के, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। कितनी बड़ी अनुभूति, सवेरे उठते ही उन्होंने बोला, ऐसे ऐसे बाबा सपने में आए थे और ऐसा ऐसा मुझे अनुभूति दी गई है, मुझे ये सपने में आकर बोले बाबा ने ये कहा है। और जाते वक्त अल्लाह अच्छा करेंगे, चिंता नहीं करो, ऐसा कहकर भी मुझे कहे। तो उन्होंने जब वो सपने से जाग गई, तो पहले हाथ दिखा, उसको हाथ लगाया बच्चे को, तो बड़ा ठंडा पड़ गया था शरीर, एकदम बिल्कुल हलचल उसकी बंद हो गई थी, सब भागदौड़ करने लगे। उतने में उन्होंने सबको बुलाया, अरे अरे इसको केशव को क्या हुआ, देखो मधुकर को क्या हुआ, देखो आ जाओ। तो किसी को वो बहुत अशक्त हो गए थे, तो उनको वो ये भी नहीं लग रही थी, नाड़ी भी हाथ में नहीं आ रही थी, नाड़ी हाथ में आनी चाहिए ना, वो भी नहीं आ रही थी। तो सब लोगों ने रोना धोना चालू कर दिया कि बोले ये गया। ऊपर डॉक्टर गाड़वनकर दूसरे हैं, डॉक्टर दिनकर जगन्नाथ गाड़वनकर, इनके करीबी रिश्तेदार थे, किनके, राव बहादुर यशवंत जनार्दन गाड़वनकर इनके, वो ऊपर सोए हुए थे। वो नीचे आए, बाहर ही किसे देखा, बोले इसकी तो सांस चल रही है, इसकी नाड़ी चल रही है, क्यों रोना धोना कर रहे हो, ठीक हो जाएगा। और उनको बुखार बहुत, बाद में जो ठंडा शरीर पूरा ये पड़ा था ना, बुखार बहुत चढ़ने लगा बाद में, तो वो भी बाबा की उदी वगैरह सब लगा दिए, और वो बुखार वगैरह सब 98 डिग्री तक आ गया, और वो जो थोड़े से बेहोशी की अवस्था में जो चले गए थे, वो सब फिर वही अवस्था में जागृत हुए फिर से, और अच्छी तरह से तंदुरुस्त बैठकर उनको होश आ गया, थोड़ी ही ताकत भी आई, और उस दिन से उनको उनकी प्रकृति धीरे 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 ठीक होती गई, और एक दिन वो पूरे दुरुस्त हो चुके। अब वो मन्नत मांगी थी कि इनको ठीक होने दो, मैं 5 शेर पेड़े लेकर आऊँगा, उनके अंकल ने मांगी थी ना। हुआ यूँ कि उन्हीं के एक रिश्तेदारों में 1 साल की बच्चा था, उसको बेबी,
उसको कन्वर्जन के अटैक कहते थे उनको, मिर्गी का बोलते हैं उसको, वो कन्वर्जन के अटैक के लिए बाबा के दर्शन के लिए वो फैमिली 3-4 लोग जा रहे थे, जो कि इनका कंप्लीट करनी थी, उन्होंने 5 शेर के पेड़ वगैरह ले लिए और उन्हीं के साथ वो भी चले गए 1916 में। बाबा ने अपना देह त्याग किया 1918 में। 1916 में डॉक्टर गवानकर सर, केशव गवानकर, के पी गवानकर, ये पहली बार उतर गए। इनकी बहुत सारी उत्कट अनुभूतियाँ हैं, इनका पूरा जीवन साई बाबा की लीलाओं से भरा हुआ है। उनकी दूसरी पीढ़ी आज वही कार्यरत है बाबा के चरणों में। मेरे अच्छे खासे स्नेही हैं, हम एक दूसरे को मिलते हैं हमेशा, और इनकी जो किताब इन्होंने जो लिख के रखी है वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों में अभी आपको अवेलेबल है, जो साई सच्चरित के साई बाबा के दरबार के जो अभ्यासक है उन्होंने वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ऐसी वो किताब है। खैर, आगे चलकर इस लीला में बहुत डिटेल, माइन्यूट डिटेल से उन्होंने वहाँ का वर्णन किया है, शिरडी का, कैसे वो शिरडी पधारे। वहाँ उस वक्त क्या था, साठेवाड़ा, अपना दीक्षितवाड़ा, चावड़ी, द्वारकामई और वो सगुन खानावड़ वाले की खानावड़, इतना कोई हलचल नहीं थी। खैर, ये सब लोग गए द्वारकामई में, बाबा वो कठड़े पे पैर लंबा करके शांति से बैठे थे, बहुत सारी लोगों की बाजू में दर्शन के लिए ताता लगा हुआ था, बहुत सारी श्रेष्ठ दर्जा के जो भक्त है वो बाबा के दर्शन के लिए इन लोगों का सब इंतज़ाम करते थे, जैसे बापू साहब बुट्टी है, धुमाल सर है, श्यामा, काका साहब दीक्षित, ये सब लोग बाबा के कोई हाथ पैर दबा रहा था, सेवा कर रहा था बाबा की, पुरंदरे काका थे, बाबू साहेब धुमाल, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ बाबा की सेवा में जुटे हुए थे। ये जब ऊपर गए तो जहाँ अभी निम्बर है पीछे बराबर द्वारका माई के पीछे, वहाँ जाके बैठ गए तो बाबा ने बुलाया, बाबा ने बोला इसको बुला लो। अब मैं 8-9 साल का हो गया था तब, तो श्यामा ने बुलाया, इधर बाबा बुला रहे, तो वहाँ से उठ गया, उधर गया, उधर आके सीधा उसको हाथ पकड़ के अपने गोद में बिठा लिया, मेरा पेड़ा किधर है, तो बोले बाबा लाया हो ना, तो फिर वो पेड़ा का इंतज़ाम किया गया, बाबा को दिया गया, बाबा ने इमीडिएटली 4-5 पेड़े दिए, ले लिए और उसके हाथ में दिए, बोले खा बेटा, और बाकी के जितने भी पेड़े हैं बाबा ने खा लिए। सब लोग हैरान रह गए, देखते रह गए कि बोले 5 किलो पेड़े बाबा ने खा लिए। माधवराव ने पूछा खा देवा, अब वो सब सिंगुलर लहजे में एक दूसरे से बोलते थे, तो बोले खा देवा तू, क्या भूख लगी, क्या लगी तुझे, 5 किलो पेड़े खा गए इमीडिएटली। अरे बोले श्यामिया तुझे नहीं पता, ये जो लड़का है ना मुझे 5 साल से भूखा रखा है, देना लगता है 5 शेर पेड़ा मेरा, अभी आया है तो भूख लगी थी तो इसलिए मैंने वो खा लिया, और लगे ना लगे तो इसका मुझे देना जो लगता है वो मैं तो ले लूँगा ना। बाद में पता चला लोगों को कि ऐसे ऐसे इनके अंकल ने, इनके ताऊजी ने मन्नत मांगी थी कि इनको ठीक होने दो, बचपन में, बचपन की बात है, महज एक 6-7 साल की उम्र में इनको जो बीमारी हो गई थी और अनजानी बीमारी थी, उसका कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, बाबा ने ऐसे अजीब करिश्मा करकर एक नारियल ले लिया और नारियल ऐसा वो उसके उनके ऊपर से उतारा और पिछवाड़े के रास्ते से चले गए, और इसकी अनुभूति इनकी जो फूफा थी उन्होंने ली, आत्या भाई बोलते थे उनको, और तब से बाबा ने आशीर्वाद के हाथ ऐसे ऊपर रखे, आज तक वैसे की वैसे ही है। मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि गवानकर साहब की अपनी खुद की एक अनुभूति मैं आपको बताऊंगा इसी सिलसिले में, उदी तीर्थ प्राशन, इसके ऊपर देखिए बाबा ने क्या करिश्मा किया, जिसकी ऑपरेशन करने की मतलब नौबत आ गई थी, वो तैयार नहीं हुए थे, फिर भी बाबा ने उसको किसी तरह की कोई दवादारों के सिवाय उसको ठीक करवा दिया। ऐसे है हमारे कृपालु दयालु साईनाथ महाराज,
बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।